यस्बीहु तस्बीहान, क्या होगा सबहा यस्बीहु तस्बीहान, इसका माना होगा तैरना। तस्बीह का माना क्या होगा? तैरना। तस्बीह जब लफ्ज बोलते हैं तो यकीनन आप में से हर शख्स के दिल में ये ख्याल आता है कि ये वही तस्बीह है जो मेरी सज्जी या खबी जेब में 33 दाने वाली या 100 दाने वाली। वाह सुभान अल्लाह, यही समझते हो ना। मगर याद रख ले तस्बीह यही नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि जो कुछ आसमान में है या जमीन में है वो सारा मेरी तस्बीह करता है। तो आपके पास तो तस्बीह है, जिन्ना पर भी तस्बीह होगी, अगर वेले लाजम से लाएंगे तो माना होगा तैरना। खा वो तैरना खला में हो, तैरना फिजा में हो, जमीन पे हो, पानी पे हो, फिजाओं में हो, हवाओं में हो, जिस मर्जी सतह पे तैरना हो फेले लाजिम से बनाएंगे तो तस्बीह उनका माना होगा तैरना। सुभान अल्लाह, क्या माना होगा? तैरना। अगर इसको तस्बीह उल मस्दर को फेले मुतअद्दी में बना के लाएंगे तो बनेगा सबहा युसब्बिहु तस्बीहान, उस वक्त इसका माना होगा तैराना। वाह, क्या माना होगा? तैराना। एक है तैरना, एक है तैराना। तो फिर माना क्या बना कि हर शय को उसकी सतह पर बरकरार रखना असल में तस्बीह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या? हर शय को उसकी सतह पर, जगह पर, उसके मुकाम पर, उसके मदार पर बरकरार रखना, ये क्या है? तस्बीह। ऊंचा बोलिए, ये क्या है? तस्बीह। आप कहेंगे माना तो फिर खुल के सामने ना आया, मैं और वाज़े कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर कोई मानता है, हर कोई उसकी तौहीद को मानता है, तो अल्लाह की जात को उसके मुकाम पर, उसका मुकाम क्या है कि उसकी जात, उसकी सिफात, उसके कमालात, उसके औसाफ, हर शय में किसी दुनिया की किसी शय को अल्लाह के साथ शरीक किए बगैर उसे अल्लाह आला मानना, ये उसकी तस्बीह बन गया। ये क्या बन गया? बोलिए, उसकी उसकी तस्बीह बन गया। इसी तरह आका तो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके मुकाम के रख के मानना, दुनिया की किसी अल्लाह के बाद अल्लाह की बाकी तमाम मखलूकात में मुस्तफा को सबसे आला मानना, ये अल्लाह की तस्बीह बन गया। क्यों? कि हर शय उसे उसकी सतह पे बरकरार रखना, ये तस्बीह का माना था। ये क्या था? बोलिए, तस्बीह का माना था। अब हाजरीन जी, इहतिशाम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, तो बारी ताला जब कायनात की हर शय तस्बीह करती है तो इसका मतलब है पहाड़ भी, इसका मतलब है दरख्त भी, इसका मतलब है पत्ते भी, इसका मतलब है रेत के जर्रात भी, इसका मतलब है पानी के कतरात भी, आबशारे भी, हवाएं भी, चांद, सूरज, चांद, सितारे, हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है। तो मौला तस्बीह के लिए तो कुछ ना कुछ एहसासात, कुछ ना कुछ जुबान होनी चाहिए थी। तो मौला क्या बाकी मखलूकात की भी कोई ना कोई एहसास, जज्बे और जुबान है? अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ के देख लो। सुभान, कुरान का नाम लेना परेशान क्यों हो जाते हो? पता है क्योंकि तुम भी दूर दूर हो मेरे यहाँ। यही तो वजह है आज उम्मत मुस्लिम अजवाल का शिकार क्यों है, हम कुरान से और साहिब कुरान से दूर हो गए। लोगों, ये मिनाजुल कुरान जो आपको दरसे कुरान की मजलिस के नाम पे बुलाता है, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बुलाता, आपको कुछ देने के लिए, देने के लिए दे क्या रहे हैं? आपको इल्म दे रहे हैं, आपको तकवा दे रहे हैं, तज़किया दे रहे हैं, मोहब्बत और इश्क व अदब मुस्तफा दे रहे हैं। तो हाजरीन जी, एहतिशाम, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान से पढ़ो, तो आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, जब कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है तो क्या उनके भी एहसासात और जज्बात और ज़ुबान है? कुरान कहता है सूरत अन-नमल उसकी आयत नंबर 18, फरमाया कालत नमलतुल या अय्युहन नमल अदखुलू मसाकिना। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान किया कि एक चींटी थी छोटी सी, जिन्हें तुम पंजाबी कीड़ी आंदे हो, पंजाबी के आते हो, हमारे पास कोई और तो नहीं आते, कीड़ी आते हो। अब कीड़ी निकलती है, चींटी निकलती है सुराख से, जब बाहर निकल के देखती है कि आग ने कबीली सराई थी, चींटी, चलो कबीली कह लो, वो कबीली अपने खुद्दे से बाहर निकली, चींटी अपने खुद्दे से निकली, तो निकल कर देखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा,
जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखा तो देखकर चींटी ने आवाज लगाई, कीड़ी बोल उठी, कहा कालत, उसने नामला तो या अय्युहन नबलु खुलू मसाकिनकुम, नी अपने अपने खुद्दे च वापस बढ़ जाओ। सुलेमान का लश्कर आ रहा, पैरा थल्ले ना रोड़ दे। सुभान अल्लाह, क्या अब आप समझे, है छोटी सी मखलूक अल्लाह की, मगर उसकी भी कोई ना कोई जुबान है। अब अल्लाह कुरान में एक और मुकाम पर इरशाद फरमाता है, अंतकल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ली शय, के मैदान-ए-महशर होगा, कयामत का रोज होगा, अल्लाह के हुजूर इंसान के वजूद और कायनात की हर शय अंतकल्लाह अल्लाह के हुजूर बोलेगी, बेशक कुल्ली शय हर शय गवाही देगी, बेशक हर शय बोलिए गवाही देगी। अब वो गवाही दो तरह की होगी, एक मुखालफत में होगी, एक हक में होगी। क्या एक मुखालफत में होगी और एक हक में होगी, हत्ता के बाकी मखलूकात को तो छोड़ो, हमारे अपने वजूद के आजा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। वाह बेशक। अब सोचो जरा, यहाँ कुरान कहता है अल यौम सूरत यासीन उठाइए, فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, فرمایا قیامت کے روز ہاتھ اللہ کے حضور گواہی دے گا۔ اب وہ گواہی کیسی ہوگی, سمجھ آ رہی سارے؟ سبحان اللہ, گواہی کیسی ہوگی؟ اگر یہ ہاتھ آپ نے کسی غریب کے حق پر ڈاکہ ڈال کے چھینا, کسی مزدور کی مزدوری رکھ کے چھینا, किसी गरीब की बेटी की इज्जत को लूट करके डाका डाला, किसी के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, ना इंसानी की, किसी का हक खाया, किसी की जमीनों पे नाजायज कब्जा किया, किसी का माल लूटा, किसी की जेब को कर ली, माल पे कब्जा कर लिया, तो हक में गवाही देगा या खिलाफ देगा? हक। ऊंचा बोलो जरा, पता लगा, आपके खिलाफ यही हाथ बोलेगा। अब आप कहेंगे कि ओए होए साडा हाथ हो के साडे खिलाफ गवाही देगा, क्यों? कि दुनिया को जब आप देखते हैं तो कोई आप छोटा मोटा कोई गलत काम कर ले, पंचायत बैठ जाए कि सके पर आधे कान पर ले जाओ, मेरे खिलाफ गवाही ना दी, एक काम कर दिया तो तू मेनू देखिया, सके भाई को ये कह सकते हैं आप, और उसके साथ कहेंगे मेरा खून होके इको प्यो की औलाद होके एक चार दीवारी के अंदर रहने वाला होके एक भांडे च खाने वाला होके मेरे खिलाफ गवाही देगा, तो भरा भी सोच रहा होंगे ये नहीं हो सकता कि मैं सच का साथ देना है, लगना हो गलत है तेरी ठीक है, और मैं पर खिलाफ गवाही दिया। यहां तो भाई को रोक लोगे, वहां खुदा के हुजूर तो तुम्हारे जिस्म का टुकड़ा भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और ये सिर्फ बात हाथ तक महदूद नहीं, हाथ तक, अगर अल्लाह की मखलूकात में सबसे छोटी मखलूक कीड़ी है वो बोल सकती है, तो क्या ख्याल है इस दिमाग, इस शऊर, इस ख्याल और सोच की भी एक अलग दुनिया है, दिमाग की अपनी दुनिया है, इस दिल के धड़कने की एक अलग दुनिया है, इस वजूद की एक अलग दुनिया है, ये पांव चलने के लिए दिए, अगर ये चल के बुराई की तरफ गए तो ये पांव आपके खिलाफ गवाही देंगे, इनकी एक अलग दुनिया। अब आप बात समझ गए सारे, तो जिस्म का एक एक उज्व आपके हक में भी गवाही दे सकता है, आपके बोलिए खिलाफ भी गवाही दे सकता है, तो इसका मतलब है इन्हें भी अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दे रखी है, बेशक बेशक बोलने की सलाहियत, बोलिए। अब कुरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों को कर दिया और जमीन को दाऊद के ताबे कर दिया। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जब भी अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करते, पहाड़ सुबह भी अल्लाह के नबी के साथ शामिल होते, शाम को भी अल्लाह के नबी के साथ शामिल होकर अल्लाह की तस्बीह बयान करते। क्या करते? बोलिए अल्लाह की, अल्लाह की तस्बीह। इसका क्या मतलब हुआ कि हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अब हाजरी के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, वो क्या कि जब हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है तो इंसान भी अल्लाह की तस्बीह करता है। क्या बोलिए? ऊंचा बोलिए। इंसान भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। हजरत सुल्तान अल-आरिफीन, कईयों की तस्बीह तो सिर्फ फिरती है, तस्बीह फिरती है, दिल वही रहता है। हजरत सुल्तान अल-आरिफीन फरमाते हैं तस्बीह फिरी दिल
तस्बीह इधर ऊपर से दाने हम डालते रहते हैं, अंदर वही रुका रहता, दिल वही जामत रहता, वो दिल नहीं फिरता। आज कितने लोग हैं आपस में जिनको अरसा दराज गुजर गया, अपने खूनी रिश्तों के साथ भी वो नाराज बैठे क्यों हैं? बस अना है, नफ्स हिलने नहीं देता, और ऊपर से तस्बीह के दाने रोज मटका मटका के फेंकते। क्या फायदा ऐसे दानों में? जब तस्बीह तो फायदा तब दे जब अंदर भी कुछ निकाले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि कई पत्थर ऐसे हैं कि जो अल्लाह की खशियत में पत्थर भी होते हैं। खशियत इलाही में पत्थर भी बोलिए रोते हैं। तो जरा अपने दिल की नजर भी देख और उधर पत्थर को भी देख, तुम्हारा दिल खौफ और खशियत इलाही में ना रोए और पत्थर रोए तो समझ जा कि वो पत्थर तेरे दिल से भी अच्छा, पत्थर तेरे दिल से भी। एक बुजुर्ग से किसी मशहरे ने कहा, दाढ़ी देखकर उन्होंने उसको तंग करने के लिए और गुस्सा दिलाने के लिए कहा, बता कि तेरी दाढ़ी अच्छी या मेरे कुत्ते की पूछल अच्छी? तेरी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते की पूछल? आप अल्लाह के दरवेश बंदे थे, आपने गुस्सा नहीं किया, कहा अगर तो कयामत वाले दिन अल्लाह ने मुझे बख्श दिया तो फिर मेरी दाढ़ी अच्छी, और अगर मैं बख्शा ना गया तो तेरे कुत्ते की पूछल अच्छी। कभी अपने अपने मन में झांक कर, कभी किसी ने देखा अपनी जिंदगी को बदलने का? कभी किसी ने सोचा हम थे क्या, बनाया क्यों, किस लिए बनाया गया? जब फरिश्तों को बनाना चाहा रब ने, उन्होंने पहले ही कह दिया, जब फरिश्तों के इंसान को बनाना चाहा तो फरिश्तों ने पहले कहा मौला ये तो जमीन पे दंगा फसाद करेंगे, ये फलां काम भी करेंगे, फलां काम में गिनवादा नहीं, मत तुसी गुस्सा कर जाओ, गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं। बदमाश काल रब्बुकल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा कालु तजअल फीहा मन युफसिदु फीहा, ये फसाद करन दे ते हर होश है जिदे नाल लड़ाई झगड़ा ते ताल्लुक खत्म होवे वो फसाद च आउंदी है। इबादत के लिए बंदगी के लिए बना रहा है, वो तो हम भी हैं तेरी करने वाले, वो तस्बीह और जिक्र, जिक्र अज़कार और इबादत तो ऊंचा बोलो हम भी हैं करने वाले, तो तू इनको क्यों बना रहा? रब ने फरमाया قال انی عالم ما لا تعلمون, जो मैं जानता हूं तुम्हें भी पता होगा। सुभान अल्लाह, तो वो क्या है मौला? अगर तस्बीह ही करवानी है तो वो हम भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम सारी उम्र यही समझते रहे कि मेरा जिक्र और इबादत करना तस्बीह है, ना ना, फकत इबादत और बंदगी जाहिरी अमाल मेरी तस्बीह नहीं, इससे एक और आला तस्बीह है जिसके सबब से सारी मखलूकात में मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा। मौला वो कौन सी तस्बीह है? फरमाया वो तस्बीह ये है कि तुम तो सारी जिंदगी सजदे में झुके रहे, मेरे नाम की माला जपते रहे, मगर ये इंसान को मुमताज इसलिए किया कि जो तस्बीह ये करता है वो रूह जमीन पर कोई और मखलूक नहीं करती। मौला क्या फरमाया? जब भी किसी गरीब के हाथ पे कोई डाका डालेगा, यही इंसान उस गरीब के साथ खड़ा होकर उसे इंसाफ दिलवाएगा। जब किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा किया जाएगा तो यह इंसाफ का साथ देगा, ये अदल का साथ देगा, ये गरीब का साथ देगा। जब भी किसी, अब जहां जहां इंसान बुराइयां करता रहा, जहां किसी के साथ ज्यादती करता रहा, मुझे बताइए अगर ज्यादती करने वाले के साथ खड़े होते हैं तो मजलूम के साथ नहीं खड़े होते हैं? मजलूम के साथ भी खड़े होते हैं। तो हाजरीन जी इत्तेशाम, अल्लाह ने बता दिया उन्हें, तुम्हें क्या खबर इंसान की तस्बीह क्या है? इंसान की तस्बीह उस वक्त मजलूम के साथ खड़ा होना अल्लाह अपनी तस्बीह बना रहा, अल्लाह अपनी बोलिए तस्बीह बना रहा है। तो हाजरीन जी इत्तेशाम, ये तस्बीह की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तस्बीह के मुख्तलिफ रंग हैं। अब ये तो हिस्सा था कुरान का, अब मैं एक दो हदीसें भी पेश कर दूं। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हम जंगल में बकरियां चराने निकलते तो आका रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाते कि ऐ मेरे प्यारे गुलामों, जब भी जंगल की तरफ जाते हो बकरियां लेकर चराने के लिए तो वहां जाकर नमाज के वक्त में बुलंद आवाज से अजान कहा करो। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से अजान। या रसूलल्लाह क्यों? वहां तो कोई होता ही नहीं,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं, वहां जो दरख्त और पत्ते और जानवर जो परिंदे होते हैं वो भी तुम्हारी आवाज को सुनते हैं। सुभान अल्लाह। मैं कयामत वाले दिन वो तुम्हारे हक में गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। कयामत वाले दिन वो तुम्हारे हक में। फिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से आप भी फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब लुकमा तोड़ते क्या करते, कितना मुकद्दर वाला होगा वो लुकमा जो मुस्तफा तोड़ के हुजूर के पतने अत्थर में जाता होगा। लुकमा तोड़ते तो लुकमा टूटते हुए खुदा की तस्बीह बयान करता, टूटा हुआ लुकमा मुस्तफा के हाथों में बोलता और सहाबा उनकी तस्बीह सुनते। सुभान अल्लाह। सहाबी उनकी तस्बीह सुनते। हजरत मौला अली के मुर्तजा शेर खुदा अकरम अल्लाह वजहहु करीम आप फरमाते कि आका अलैहि सलाम के साथ हम मदीना से या मक्का से बाहर निकलते तो हुजूर को देख के पहाड़ जानवर शजर हजर हुजूर को देख के मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ते। सुभान अल्लाह। आका अलैहि सलाम पर बोलिए दुरूद व सलाम पढ़ते। तो इसका मतलब है वो जो सारा कुछ हो रहा है उनकी भी कोई ना कोई तस्बीह है, मगर इंसान को जिस तस्बीह ने मुमताज किया वो मखलूक खुदा की खिदमत ने किया। इसने किया बोलिए मखलूक खुदा की खिदमत ने। अब मैं आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ। इंशाल्लाह कमी बेशी जो रह गई वो अगले महीने आपके निकालेंगे अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये साथ इसी तरह रखा तो। वो क्या है कि एक अगर हर शय तस्बीह करती है अल्लाह की, इंसान भी करता है, जानवर परिंद चरिंद भी करते हैं, तो इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। मेरे मुस्तफा भी तो करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते। अब आइए देखते हैं हुजूर की तस्बीह क्या थी, आका की तस्बीह क्या थी। आओ लोगों आज के दर्श का मैसेज ले जाओ। आका की तस्बीह क्या थी, हुजूर ताजदार है कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वादिए ताइफ में जाते हैं लोगों को अल्लाह के दीन की तौहीद का पैगाम और दावत देते हैं, आगे से जवाब में पत्थर आते हैं, गालियां आती हैं, बच्चे पागल दीवाने बच्चे पीछे लगते हैं और आका को गालियां देते हैं, पत्थर मारते हैं, हुजूर के आका अलैहिस्सलाम जख्मी होते हैं, खून बहता है, जिब्रील आता है। कौन आता है? जिब्रील। आका इतनी सी आती, इतना जुल उठाए हाथ, अल्लाह कह रहा है कि हाथ चुको, जिन्ने त्रवा पासे पहाड़ ने वो पहाड़ियों के दरमियान है वादी ताइफ। आप में से अगर किसी ने जाके देखा हो कुछ ज़ियारत के लिए ताइफ गया हो तो उसने देख वो सारा ताइफ पहाड़ों के दरमियान। तो यार सुल्ला रब फरमा रहा है कि ये अभी पहाड़ों के दरमियान इनको गसब कर दो आपस में। जिब्रील आके ये कहते हैं तो आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, फरमाया नहीं मैं बददुआ वास्ते थोड़े ही मैं बददुआ के लिए नहीं। बोलिए अगर वहां उनके ज्यादती के जवाब में उसी तरह बद्दुआ करना अल्लाह की तस्बीह होता तो मुस्तफा बद्दुआ करते। आका जानते हैं इनकी गालियों के जवाब में इनके लिए दुआ करना अल्लाह की तस्बीह है। अब आप बात समझे कि इनकी गालियों के पत्थरों के जवाब में दुआ करना इनके लिए तस्बीह। किसी शायर का कलम उठा सुनना जे शेर इतनी मैं सुनाना तो अड़ी टिली सुभान अल्लाह। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। मिश्रा मिलके कह रहे हैं कोई लाओ मिसाल